जिंदगी दो नहीं, गम की मझधार है। सलीमा बुरा मत मानना, मुझे तो लगता है तुम्हारी लड़की पागल हो गई है। ये मंसूर ऐसा आदमी नहीं है, हमने भी दुनिया देखी है, मर्द की चाल बता देती है कि वो शरीफ है या बदमाश। समझा समझा के थक गई, इसे समझ नहीं आता क्या कर। तो रोको अपने लड़कों को, समझाओ उन्हें कि घर के दामाद के साथ ऐसे बात नहीं करते। अरे उन्हें तो रोक लूंगी मैं, वो कहाँ टालते हैं मेरी कोई बात, किसका क्या करूँ। तो मेरी ये समझ नहीं आता कि तुम इससे इतना डरती क्यों हो। बात डरने की नहीं है, अपने घर से उठ के आ गई, अगर मेरे घर तो मुसीबत तो मेरी ही होगी ना। ऐसी हरकतें होंगी तो वो तो अपना घर बर्बाद करेगी, लेकिन तुम तो होश करो। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रहम करे। अल्लाह तो सब पे रहम करता है, ये तो बंदा ही है जो अपनी जिंदगी को खुद अजाब बना लेता है। समझाओ उसे। मैं आपको इस अजाब से जरूर निकलवाऊंगी भाई, मैंने आपसे वादा किया था। मैं निम्रा को ढूंढ के आपसे मिलूंगी। ये सब बेकार है, शादी हो चुकी है उसकी और मैं इतना कमजोर नहीं कि उसकी जिंदगी बर्बाद कर दूं। उनकी जिंदगी आबाद हो जाए, इसीलिए तो मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ। आप अगर आप मेरा साथ दें तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। अरसलना निम्रा मोहब्बत है मेरी और मैं उसे हर हाल में खुश देखना चाहता हूँ। खैर तुम बताओ कि तुम क्या चाहते हो। आप सिर्फ एक बार मेरे साथ वहां चले तो सही, फिर आप देखिएगा मैं क्या करती हूँ। सलना, मैं उजाला के घर जरूर जाऊंगा। तो चले जाना, किसने रोका है, अपनी मर्जी के मालिक को। और मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो तुम, अगर उजाला ने तुम्हारा नाम दिया ना तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं। क्या क्या कहा तुमने? वही जो तुमने सुना, मैं अपनी बेइज्जती बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। अपनी बेइज्जती से बचने के लिए मुझे तलाक दे दो, और मेरी बेइज्जती, मेरी तौहीन से मैं बर्दाश्त करती हूँ। और अगर सच तुम्हारे सामने आ गया तो फिर क्या करोगे तुम? जो गलत होगा उसे छोड़ दोगे? वो तुम्हारी अपनी माँ ही क्यों ना? अरसलना, तुम्हारा मेरी माँ से कोई मुकाबला नहीं। तो रही बात झूठ की और सच की, तो मैं भी देखना चाहूंगा कौन सच्चा है कौन झूठा। ठीक है, मुझे कबूल, सच तुम्हारे सामने आए थे। यार मेरी तो समझ में नहीं आता कि तुम बहन भाइयों पे ऐसी कौन सी मुसीबत आन पड़ी। अभी तो ये तुम्हारे घर गई थी और आज तुम चले आए। मंसूर भाई, हम भाई बहन जितना भी लड़े लेकिन सुख दुख खुशी गम हर बात एक दूसरे से शेयर करते हैं, ना हमारे पेट में दर्द हो जाता है। क्यों जा रहा? ये तो है, तुम्हें काम करो, मेरे कमरे में चलो, वरना यहाँ पे ना इसने बात नहीं करने देनी है। अरे नहीं नहीं, यहीं पे बैठ के बात करते। मंसूर भाई ने मुझे मशवरा भी दिया। हाँ बोलो क्या बात। असल में रोशनी के लिए रिश्ता है, लड़का अच्छा है
हमें पसंद भी है। अच्छा, वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। क्या नाम है लड़के का? अदनान, पढ़ा लिखा लड़का है, इन्वेस्टमेंट कंपनी में जॉब करता है। बड़ी बहन है वो दुबई में होती है, उसकी शादी के लिए यहाँ पे आई हूँ। घर अपना जाती है, अच्छे खाते पीते घराने का है। हाँ अलबत्ता माँ बाप की डेथ हो चुकी है, जो बड़ी बहन है उसी ने पालकी पढ़ा की। अच्छा वाकई, तो बहुत अच्छी बात है। ना उस लड़के का कोई आगे है ना कोई पीछे, हमारी रोशनी तो बहुत खुश रहेगी। और क्या चाहिए होता है लड़कियों को? भाई जैसा तुम बता रहे हो रिश्ता तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन फैसला सोच समझ के कर और रोशनी की मर्जी जरूर मालूम कर। हाँ उसकी मर्जी से ही आया है रिश्ता, एक्चुअली उसी की पसंद, लेकिन शायद अम्मी राजी ना हो। क्यों, उन्हें क्या एतराज? ना एतराज क्यों ना करूं, आप फिर डॉक्टर का बहाना करके बाहर निकल जाओगे। बहाना नहीं बना रहा, मुझे वाकई बाहर जाने पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूं, और फिर अकेला नहीं जा रहा, अरसलना साथ जाएगी मेरे। अच्छा अम्मी, भाई इतने दिनों से कमरे में ही तो थे, बहुत टाइम बाद कहीं बाहर जाने का कहा है। कोई जरूरत नहीं है किसी को कहीं जाने की, चैन से बैठो घर में। और हाँ, दानिश आएगा ना, तुम्हें जाना होगा तो उसके साथ जाना। मुझे दानिश के साथ नहीं जाना, मुझे अरसलना के साथ ही जाना। दानिल भाई, मेरे ख्याल से आप अम्मी की बात मान लें, हम बाद में कभी चले जाएंगे। नहीं अरसलना, मुझे आज ही जाना है और तुम्हारे साथ ही जाना। तुमने डाली है ना इसके दिमाग में ये बात, तुमने पढ़ाई है ना ये पट्टी? सब समझती हूँ, तभी मेरी भी नहीं सुन रहा, जिद कर रहा है। मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप हमेशा मुझ पर इल्जाम क्यों लगाती हैं? अच्छी तरह समझ रही, बहुत अच्छी तरह समझ रही हूँ। जब से तुम आई हो ना इस घर में, मेरा बच्चा मुझसे दूर हो गया है। बेवकूफ समझती है। आप गलत समझ रही हैं, और वैसे भी एक माँ से ज्यादा अपने बेटे से कौन प्यार कर सके। हाँ, और जो माँ से ज्यादा प्यार जताए भप्पे कुटनी कहलाए। तुम उसके कहने पे अम्मी पे शक कर रहे हो? क्या हो गया तुम्हें दानिश? वो लड़का झूठ बोल रहा है। अरे अभी उसका हमसे रिश्ता तय नहीं हुआ, वो झूठ क्यों बोलेगा? अरे रहने दो, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मर्दों को, सारे के सारे मर्द एक जैसे होते हैं। शादी से पहले बीवी का दिल जानबूझ के खराब करते हैं ताकि शादी के बाद बीवी के ताल्लुकात लड़के से अच्छे ना रहे, मैं जानती हूँ ना। बोल दिया, तुम्हारी मन तक भी निराली है। बहरहाल मैं मम्मी से बात करूं, अगर रिश्ता अच्छा है, रोशनी को पसंद है, तो हम इनकार नहीं करेंगे, बस। हरगिज़ नहीं दानिश, कोई जरूरत नहीं। अगर रोशनी कुएं में छलांग लगाने को कहेगी तो क्या अम्मी मान लेंगे? अरे क्यों क्यों जल्दबाजी कर रहे हो तुम लोग उसके रिश्ते के लिए? पहले ठीक तरह से मालूमात करो। अरे मालूमात के बगैर कोई शादी होती है क्या? मालूमात करेंगे फिर ही रिश्ता तय होगा ना। बहरहाल तुम उस लड़के को बिल्कुल शो मत करो कि तुम उसके कहने पर अम्मी के खिलाफ हो। मैं अम्मी को अच्छी तरह से जानती हूँ, अम्मी जानबूझ कर इनकार नहीं करेगी। अम्मी ने इनकार किया भी नहीं, वो शर्त रख रही है। तो ठीक है ना, अम्मी ने अदनान की हकीकत जानने के लिए ऐसा कहा। भाई अगर वो उससे मोहब्बत करता है रोशनी से, तो क्यों नहीं कर देता उसके नाम पे घर? परेशान किस बात पे हो रहा है, सोचो जरा। लो कर लो बात, तुम भी अम्मी की जबान बोलने लगते हो, बिना वजह मैं तुमसे मशवरा करने आता हूं। अच्छा नहीं कर रही तुम ये, औलाद के दिमाग में जहर भर रही हो।
क्यों कर रही हो ऐसा? मैं बाप हूं उनका और मैं माँ हूँ उनकी, समझे? दरख्त चाहे कितना ही मजबूत क्यों ना हो, फल हमेशा उसकी जड़ में गिरता है। मेरी मानेंगे वो, मेरी खिदमत करेंगे। अरे ऐसी कौन सी निराली माँ हो तुम, अनोखी माँ हो? हाँ बेटे बाप का सहारा होते उसका बाजू बनते हैं और तुम मेरे खिलाफ खड़ा कर रही हो ना? उस बाप का सहारा बनते हैं जो उनकी तालीम और तरबियत पे तवज्जो देता है, तुम्हारे जैसे लापरवाह बेहिस्सी नहीं। बस सुनो, मैं प्यार करता हूँ अपने बच्चों को और जानता हूँ कि वो प्यार की जबान समझते हैं, तुम्हें क्या पता? याद रखना मेरी बात, जो जहर तुम भर रही हो ना वो तुम्हारे सामने आएगा। तुम्हें भी छोड़ देगी ये औलाद एक दिन, न तुम्हारे पास रहेगी और न मेरे पास। सच ही तो कहा था दिलावर ने, मुझे आज मेरी ही औलाद ने तन्हा कर दिया है। ये सभी आने वालियों के चक्कर में पड़ गए, मेरा उगाया बीज आज मेरे ही गले का सांप बन गया। पर मैं भी सलीमा हूँ, मेरा सुख चैन छीनेंगे तो मैं भी इनका सुख चैन खत्म कर दूंगा। लेकिन रोशनी ये भी तो हो सकता है कि अम्मी ठीक कह रही हैं। भाभी कम से कम आप तो ये ना कहें। कुछ भी हो, अदनान मुझसे बहुत प्यार करता है और शादी करना चाहता है। वो मकान दे या ना दे, शादी तो मैं उसी से करूं। और अम्मी? अम्मी ने दुरैन की शादी पर क्या किया आपकी खाला के साथ? पूरे 5 लाख रुपए लिए, याद नहीं है आपको? अच्छी तरह याद है, कैसे भूल सकती हूँ? इसीलिए कह रही हूँ तुम्हें, मम्मी अपनी इज्जत पूरी करवा के रही। तुम अदनान से कहो कि पेपर्स बनवा लेना मकान के, शादी के बाद वापस कर देना उसको। भाभी मैं अम्मी की वजह से ये झूठा ड्रामा क्यों करूं? मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा, और वैसे भी मैं भी उन्हीं की बेटी हूँ, अपनी इज्जत तो मनवा कर ही रहूँ। हाँ भाई क्या बात है, परेशान लग रहे हो? कुछ कुछ नहीं पापा, बस यूं ही। आज आपको तन्हा देखकर ये गलती का एहसास हो रहा है। अरे यार ये सब नसीबों की बात होती है बेटा, जब हमारे बड़े बूढ़े हमें जब कुछ समझा रहे होते हैं, कुछ सिखा रहे होते हैं ना, तो उनकी कोई बात नहीं मानते, खुद को समझदार और अकल कुल समझते, फिर जब कुछ गलतियां हो जाती हैं, कुछ मुश्किल हो जाती है तो नसीब पर डाल देते हैं सारा कुछ। ठीक ही कह रहे हैं। सलीमा से मेरी शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती करवाई थी, हालांकि मेरा बाप बहुत खिलाफ, बहुत समझाया उसने, लेकिन मैंने एक ना मानी क्योंकि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। तुम्हारी तरह मैंने अपनी माँ के हुक्म के आगे सर झुका। लेकिन पापा जानता हूँ बेटा, इंसान किसी के तजर्बे से नहीं सीखता, जब उसे खुद चोट लगती है ठोकरें लगती हैं तो आटे दाल का भाव पता चलता है। पापा अम्मी सिर्फ जुबान ही की तो कड़वी थी, आपने भी तो बर्दाश्त नहीं किया। बेटे जी ये जुबान ही होती है जो इंसान को अर्श पे ले जाती है, और ये जुबान ही होती है जो उसको फर्श पे ले जाती है। सच बात बताऊं वैसे तुम्हारी माँ को जो जमीन टकरी थी ना वो गलत टकर, काबिज गंडों के चक्करों में थी, बस वहीं से काम खराब हो गया। हालांकि मैंने उसे बहुत समझाया बहुत बताया, लेकिन मेरी एक बात नहीं मानी, अपनी जिद अपनी बात मनवाने के लिए उसके साथ वो भी काबिज गंडों के चक्कर में पड़ गई, और देख लो
जिंदगी कहां से कहां जाएगी। बात दरअसल ये है बेटा कि औरत जो है ना वो अपने मर्द से बहुत झूठ बोलती है, बल्कि यूं समझो कि वो बहुत आसानी से उससे बेवकूफ बना। लेकिन जब हम लोग उसकी हर बात मानते हैं इसके बावजूद उसे जरूरत क्यों पड़ती है झूठ बोलने? अब तो तुम्हारी भी शादी हो गई है, ये बात तो तुम्हें आसानी से समझ आ गई। औरत के पास एक हथियार होता है, वो रोने का। जरा सी आपने बात बढ़ाई और उसने आंसू निकाल दिए और मर्द बेचारा चार आंसू देखे उसकी आंखों में और चारों शाने चुप। ठीक कह रहे हैं आप, औरत मर्द को आंसू से ही करते हैं, लेकिन पापा आजकल की औरत ऐसी नहीं। आजकल की औरत तो बहावरी से लड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो तुम्हें रुलाती है, खुद नहीं रोती, इसलिए को दुनिया का ज्यादा पता चल गया ना उसे। भाई पहले तो टीवी हुआ था, अब तो इंटरनेट मोबाइल फोन सिखाने के लिए काफी। मुझे तो मोबाइल फोन से ही नफरत हो गई। क्या बात है दुरेंद्र, तो परेशान बताऊंगी क्या बात? बोलो आप मुझसे ही ये बात क्यों छुपा रही थी? हामी क्यों? ये तो क्या करना था और हैं? क्या जरूरत थी शोर मचाने की? लड़का मेरे दिल को भा जाता तो करती ना बात, जब पसंद ही नहीं आया तो क्या करना है ढंडोरा पीट के? लेकिन अम्मी रोशनी को तो पसंद है ना, तो फिर रोशनी को पसंद है, तुमने भी की थी ना अपनी पसंद से शादी, दुरहन ने भी की थी, दानिश ने भी की थी, सब ने अपनी अपनी पसंद की, तो कौन खुश है तुम तीनों में से? जरा नाम बता दो मुझे उसका। तो रोशनी कर लेगी अपनी पसंद से और बड़ी खुश जिंदगी गुजार लेगी। अम्मी खुदा की आप मुझे तो मत घसीटें। और अम्मी एक बात कहूं आपसे, दानिश और दुरैन को भी आपको इस रिश्ते में शामिल करना चाहिए ताकि उनका फैसला भी पता चल जाए ना। क्यों? मैं मर गई हूँ क्या है जो वो घर के बड़े हो गए अब सारे फैसले वो करेंगे? लेकिन अम्मी बात को समझने की कोशिश करें, दानिश ने दान के ऑफिस में जाके लड़की की मालूमात की, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं इसकी, वो अच्छे खानदान का लड़का है। अम्मी उनके बस का नहीं है ये काम, समझी? उन्होंने तो जाके दोस्तों से उसके पता कर लिया होगा, वो तो अच्छा अच्छा बोलेंगे ना, और क्या कहेंगे? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप, क्या हो गया है आपको? अब क्या हम दुश्मनों से पता करेंगे उसके बारे में? भी अजीब ही बात कर रही हैं, हद हो गई। बहरहाल अब जो शर्त मैंने रखी है ना वो मान ली, कर दे मेरी बेटी का नाम अपना मकान तो मेरी तरफ से हाँ है, वरना मैं अपनी लड़की को भाड़ में नहीं झोंकने वाली, समझी? देखो ये मामला ही ऐसा है, हम सबको मिलकर अम्मी को राजी करना पड़ेगा ताकि ये मसला हल हो। लेकिन इससे पहले अम्मी से ये पूछना है कि वो अदनान से रोशनी की शादी क्यों नहीं करवाना चाहती, आखिर वजह क्या है? भाई अगर अम्मी की मर्जी नहीं होगी ना तो ये शादी भी नहीं होगी। हम सबने उनका बहुत दिल दुखाया, सबने अपनी अपनी मर्जियों से शादी कर ली, कौन सा आज हम लोग खुश हैं? अगर आप लोग अपनी शादी से खुश नहीं हैं, तो जरूरी तो नहीं मोहब्बत की शादी करने वाला कोई भी खुश ना रह सके। आप लोगों के अपने मसाइल हैं, उसकी वजह से मेरा रिश्ता तो मत ठुकरा है ना। रोशनी ये किस तरह से बात कर रही हो, जो तुम समझ रही हो वैसा कुछ नहीं है। आप लोग सब मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं आप लोगों के सामने खड़ी हो जाऊं। रोशनी आराम से बैठ जाओ, बैठो मैं बात कर रहा हूं। दुरैन हम सब ने अपनी अपनी पसंद की शादी की, क्या तुम अरसलना के साथ शादी करके खुश नहीं? या तुम अलीजे से जाकर पूछो क्या वो मेरे साथ शादी करके खुश नहीं? छोटे मोटे लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने रिश्तों को इल्जाम देना शुरू कर दें। मैं तो अलीजे के साथ शादी करके बहुत खुश हूँ। लेकिन भाई मैं अपनी शादी से खुश नहीं हूँ।
मेरे साथ जो कुछ हुआ है ना। क्या क्या हुआ, क्या है तुम्हारे साथ? हर्षला प्लीज, दुरैन क्या हो गया है? यहाँ तुम लोग अपना झगड़ा लेकर बैठ गए हो, हम यहाँ कोई और मसला डिस्कस कर रहे हैं। अम्मी के एतराज की ठोस वजह है। कोई भी माँ अपनी औलाद की दुश्मन नहीं होती, मगर अपनी औलाद की सबसे बड़ी दुश्मन आपकी अम्मी है। और सलना, बकवास बंद करो, तुम मेरी माँ पर इल्जाम लगा रही हो। ये इल्जाम नहीं है दुरैन, यही सच है। सच हमेशा कड़वाई होता है। अर्सलना ये क्या कह रही हो तुम? देखो अम्मी इनकार कर रही हैं, उनके इनकार की कोई ना कोई तो वजह होगी ना, वही जाननी है। कोई वजह नहीं है भाई, सिर्फ उनकी अन्ना और उनकी जिद है। अच्छा देखो, इस वक्त बहस नहीं करते, मैं उजाला को फोन करके बुलाता हूँ, अम्मी से बैठकर बात करते हैं और आज ये मसला हल करते हैं। उजाला बाजी को बुलाने का कोई फायदा नहीं है, आज तक हर रिश्ते के दरमियान रुकावट बनने की वजह आपकी अम्मी है। और तो और दानियाल भाई की हालत की जिम्मेदार भी आपकी अम्मी है। जिंदगी बर्बाद करके रख दी उन्होंने दानियाल भाई की। ये तुम क्या कह रही हो अर्सलना? मैं सच कह रही हूँ दानिश भाई, दानियाल भाई की तबाह जिंदगी की वजह सिर्फ और सिर्फ अम्मी ही है। जबान संभाल कर बात करो अर्सलना, अम्मी दानियाल भाई की वजह से कितनी परेशान है ये हम सब जानते हैं। लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि अम्मी ने ही निम्रा के घर जाके उन्हें दानियाल भाई को छोड़ने के लिए मजबूर किया था। यहाँ तक कि निम्रा के बाप के सामने अपनी झोली तक फुला दी ताकि वो इस रिश्ते से इनकार करके शहर छोड़ के चले जाए। झूठ बोल रही हो तुम, बकवास है ये, मैं नहीं मानता। मैं सच कह रही हूँ, निम्रा ने मुझे ये बात खुद बताई है। तो आखिर ये सब बातें निम्रा को कैसे पता और तुम कैसे जानती हो ये सब? क्योंकि मैं जैसे फोन में बातें करती हूँ वो निम्रा ही है, इसी वजह से दुरैन मुझ पे शक करता है। ये बात मैंने आप सबके सामने लेके आनी थी, लेकिन अगर आप लोगों को मुझ पे भरोसा नहीं तो प्लीज जाके मंसूर भाई से पूछिए। मंसूर भाई? मंसूर भाई कहाँ से आ गए इस मामले में? क्योंकि मंसूर भाई भी सब जानते हैं, उन्हें भी सारी हकीकत का इल्म हो चुका है। तो ये बात छुपा क्यों रही थी? और निम्रा, वो तो खुद दानियाल भाई को छोड़ के गई थी, तो मेरी माँ पे इल्जाम क्यों लगा रही हो तुम? दुरैन एक मिनट, हम खुद निम्रा से मिलकर सच मालूम कर लेते हैं ताकि मजीद कोई गलतफहमी ना हो। सच यही है दानिश भाई, और रह गई बात गलतफहमी की, तो हाँ बहुत सी गलतफहमियां हैं जिनका दूर होना अभी बाकी है। उजाला, उजाला क्या ये सब वाकई सच है? दानियाल भाई के साथ इतना बुरा किया है, भाई किस तरह बर्बाद हो गए, मगर अम्मी के दिल में जरा रहम तक ना आया। नहीं, कोई माँ कैसे भी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है? अगर ये सच है तो मैं अपने साथ अम्मी को ऐसा हर किस करने नहीं दूंगी। अदनान से साफ साफ कह दूंगी कि वो उनकी किसी बात पे यकीन ना करे, जो भी बात करनी है दानिश भाई से ही करे, वरना ऐसा ना हो अम्मी अदनान को ऐसा कुछ कह दे और वो भाग जाए,
मुझे तुम पर यकीन नहीं रहा सलमा। तुम कितनी सच्ची और कितनी झूठी ये तो अब बाद में ही पता चलेगा। मैं तो मेरा कसमें खा के तो यकीन दिलाने से रही। तुमने यकीन करना है तो करो, नहीं तो ना से। वाह क्या ढिठाई है। दुरैन मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैंने जो भी कुछ किया है या जो भी कुछ कर रही हूँ उस घर की बेहतरी के लिए कर रही हूँ और करती रहूंगी चाहे मैं तुमसे दूर भी हो जाऊं। अगर तुम्हारा प्यार इतना कमजोर है तो मैं क्या कह सकती हूँ। यानी कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं क्योंकि जब तुम्हें यह एहसास ही नहीं कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ यहाँ तक कि तुम्हारे घर के हालात तक सुधारना चाहती हूँ तो कुछ नहीं कहना मुझे। इस पर यकीन कर लेने का मतलब है कि अम्मी के मुतालिक उसने जो कुछ भी कहा उसे सच मान। ये कैसे हो सकता है अम्मी दानियाल भाई के साथ इतना बड़ा खेल नहीं खेल सकती। बहुत ही चालाक है अर्सलना। देखो तो सही किस डिटाई से अम्मी पर इल्जाम लगाते हैं। बढ़िया दादाल की हम तक उजाला। आखिर अम्मी कब तक तुम्हारे इंतजार में बैठी रहेंगी। अब बाहर आ भी जाओ खाना लगा दो। आ रही हूँ। तो हर वक्त इनकी माँ को भूख लगी रहती है। असापन की मेरी जिंदगी पर बिस्तर पे जाके ऐसे लेट गई जैसे कभी जिंदगी में खुद उठकर कोई काम नहीं किया होगा। जाके इनके लिए मैं रोटियां बनाऊं। मैसेजेस पे बातें होंगी। हाँ भाई आसान तरीका कम पैसों में सारी बात हो जाती है। बड़ी बात है भाई क्या खूब कहा भाई। और जब होटलों में जाते होगे तो कितना बिल आता होगा है ना। तुम बाज नहीं आओगी यूं ही ताने देती रहोगी। मैं यूं ही ताने देती रहूंगी जब तक तुम सच नहीं बोलोगे मैं बाज नहीं आऊंगी। ठीक है तो फिर देती रहो ताने मेरी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत हैरान हो रही हूँ मैं। मूड कितना अच्छा है तुम्हारा क्योंकि तुम मुझसे बातें कर रहे हो ना इसलिए ना मेरी बातें तुम्हें जहर लगती हैं। उजाला हर चीज की एक हद होती है मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगा। देखो देखो फोन में किससे बात कर रहा था। अभी बात नहीं कर रहे होगे ना इसलिए आसानी से मुझे फोन दे दिया वरना ये फोन तो जेब से भी नहीं निकलता। बताओ मुझे फिर कब बात हुई तुम्हारी निम्रा से। निम्रा से उजाला क्या फजूल बातें कर रही हो। समझ में नहीं आ रहा कि क्या कर दिया है अम्मी ने अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद करते हुए उनका दिल जरा भी नहीं कांपा। अरे दानिश खैरियत है कोई बात करनी थी क्या। बस ऐसे आपको देखने के लिए आया। मुझे देखने क्यों क्या हुआ भाई। अल्लाह ताला बड़ा रहीम जब इंसान परेशानियों में होता है
जब गम की मझधार में फंसा होता है तो उसके बाद अल्लाह ताला उसे खुशियां अता करता है। पता नहीं दानिश, लेकिन मेरी जिंदगी में अब शायद कोई खुशी नहीं आएगी। ऐसा मत करें भाई, आपकी जिंदगी में खुशियां आएंगी और मुझे इस बात का पूरा यकीन है। ये तुम कह रहे हो? हाँ मैं कह रहा हूं और पूरे यकीन से कह रहा हूं। और आपको पता है कि दानिश, उसने कहा और तुमने यकीन कर, तुम सोच भी नहीं सकते कि अरसलना कितनी चालाक है। वो हम सबको अम्मी के खिलाफ भड़काना चाहती है, बहाने ढूंढती है ताकि दुरैन को लेके वो अलग हो जाए। अच्छा, और निम्रा, निम्रा का क्या? जो कुछ उसने बताया वो? निम्रा सब कुछ अरसलना के कहने पे कर रही है, झूठ बोल रही है, इल्जाम लगा रही है मेरी अम्मी पे। क्या तुम नहीं जानते हो अम्मी कितनी परेशान थी दानियल की इस हालत पर? उजाला, निम्रा बेचारी को झूठ बोलने की क्या जरूरत, वो तो खुद बहुत दुखी है। तो निम्रा झूठी है जिसने दूसरे मर्द के साथ जाके शादी रचा ली, हाँ? और मेरी माँ जिसके सामने उसका जवान बेटा पागल हो गया, मेरी माँ को कोई दुख नजर नहीं आता तुम्हें? सब मर्द एक जैसे, दूसरी औरतों का दुख तुम लोगों को समझ में आता है और फौरन हमदर्दी आ जाती है, लेकिन घर में बैठी औरत का दुख समझ में नहीं आता। उजाला फजूल बातें मत कर, निम्रा क्यों झूठ बोलेगी, उसका तुम्हारे खानदान से कोई ताल्लुक नहीं। और रही बात अरसल्ला की, तो मैं और अरसल्ला से ये चाहते थे कि दानियाल को उसकी मोहब्बत वापस मिल जाए, वो ठीक हो जाए। बातें तो सुनो सर, मुझे तो ऐसा लगने लगा जैसे पूरी दुनिया जहां में सिर्फ एक तुम और अरसल्ला को दानियाल से हमदर्दी है, बाकी हम सब तो दुश्मन है ना उसके। और तो और कह रही है कि मेरी अम्मी दानियाल की दुश्मन है, दिमाग तो नहीं खराब हो गया उसका? मेरी अम्मी ऐसा क्यों करेंगी? सारा सल्ला का खेल है, अच्छी तरह से जानती हूँ मैं उसको। क्या हो गया दानियाल, क्यों तंग कर रहा है बेटा? ले चल चापश पी ले। मुझे नहीं पीना है पानी। दानियल भाई, पानी तो सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और अम्मी को तो आपकी सेहत की बहुत परवाह है। क्यों अम्मी, ठीक कह रही हूँ ना मैं? हाँ, दम किया हुआ पानी है, इसी पानी की बरकत से पहले भी सेहत मिली थी, बेहतर हो जाएगा और जल जा। अम्मी मुझे प्यास नहीं लगी, मुझे नहीं पीना है पानी, आपकी समझ में क्यों नहीं आ रहा? दानियल भाई आपको पता है ना, अम्मी को नाराज नहीं करते, माँ ही आपकी। और वैसे भी माँ के पैरों में तो जन्नत होती है, और जिसकी जन्नत नाराज हो जाए तो उसकी जिंदगी भी दोजख बन जाती है, जैसे कि आपकी जिंदगी दोजख बन गई। क्यों अम्मी, क्या हुआ अम्मी? ठीक कह रही हूँ ना, जिसका बेटा अपनी माँ का कहाँ ना माने, अपनी मोहब्बत को याद करके रोता रहे, उसकी जिंदगी दोजख नहीं तो और क्या? कोई नहीं, ना मेरे बेटे की जिंदगी कोई दोजख है, ना कोई जहन्नम बनी है, समझी? तुम उसके कान ना भरो। मैं किसी के कान नहीं भरती हूँ मम्मी, आपने जो बोया है ना वो काट रही हैं। बस सच तो सात पर्दों में भी नहीं छुपता है। बस चुप। जा, जा अपने कमरे में। चल मैं कहती हूं जा यहां से। ठीक है, जा रही हूं। अल्लाह आप पर रहम ही करे दानियल भाई। उजाला, खुदा तो अपने बंदे पर रहम करता ही है,
लेकिन उस इंसान का हम क्या करें जो अपने लिए अजाब खुद तैयार करता, जैसे तुम्हारी मां ने की। मंसूर एक बात मेरे कान खुल के सुन लो, मैं अपनी अम्मी के खिलाफ एक भी बात नहीं सुनूंगी। मुझे पता था तुम अपनी माँ के खिलाफ कोई बात नहीं सुनोगी, क्योंकि सच बहुत कड़वा और किसी से बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, बहुत सच्ची थी ना वो, तो फिर सामने आती ना, सामने क्यों नहीं आई? आएगी, वो जरूर सामने आएगी, और अब की बार उसे सामने मैं लेकर आऊंगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे खामोश करवा लोगी तो ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी बहुत अफसोस की बात है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, उन औरतों के खाते तुम मेरे साथ यानी अपनी बीवी के साथ ऐसा सलूक कर रहे हो। मैं ये सब कुछ उन औरतों की वजह से नहीं कर रहा, बल्कि सिर्फ कर रहा हूं तो तुम्हारे भाई की वजह से, उस भाई की वजह से जिसे तुम लोगों ने पागल करार देके सड़ने के लिए छोड़ दिया। तुम लोगों ने कोशिश की कि वो अपनी जिंदगी में वापस आ जाए, उसका इलाज करवाने की कोशिश की तुम लोगों ने, नहीं की ना? ये सब कुछ किया सिर्फ अरसल्ला ने, अरसल्ला ने तुम्हारी माँ से लड़ाई की तुम्हारे भाई की खातिर। सही कहा, बाकी हम सब तो दुश्मन है ना दानियाल के, एक वही तो रहेगी पूरी दुनिया जहां में जो उसकी हमदर्द है। तुम लोगों को अगर दानियाल की जरा सी भी फिक्र होती ना तो उसे तनहा ना छोड़ते, साथ देते उसका। निम्रा खो गई थी ना तो क्या हुआ, उसे तलाश करते, लेकिन तुम लोगों ने सच जानने की कोशिश की। की मझधार है।